छात्राओं की समस्या आएगी हम आपसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, स्वागत है, मैं कह रहा हूँ स्वागत है, लेकिन आप 2 बजे आ जाइए। समस्या रख लिया मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप खुद को उतारे फिर आप करने का काम, जो भी आपको काम है वो बाद में करिए, पहले खुद को उतारे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश की मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोकने का खेल जो कर्नाटक से शुरू हुआ था, अब वह उत्तर प्रदेश भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज है और उस कॉलेज के गेट पर मुस्लिम बेटियों को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश कर रही थी। उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जबरदस्त बहस हुई, तूतू मैमे हुई। अंतिम में हमारे देश के इन मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज गेट के पास धरना प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन कॉलेज प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर तो यहां आई है कि जबरदस्ती इन लोगों का हिजाब उतरवाया गया और फिर कॉलेज में एंट्री करने को कहा गया है, जिसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इस मामले में खबरें कुछ वेबसाइट्स पर चल रही हैं, हम आपको कुछ ट्वीट्स और विजुअल्स भी दिखाएंगे वहां पर क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक से शुरू हुआ यह विवाद क्या पूरे देश में फैलेगा, क्या पूरे देश में मुस्लिम बेटियों को पढ़ने से रोकने का यह खेल शुरू किया जाएगा। अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो शायद जो ड्रॉप आउट का रिकॉर्ड कर्नाटक में आया कि 50% एडमिशन घटे मुस्लिम बेटियों के, तो क्या यह उत्तर प्रदेश में भी होगा, यह सवाल तो है। तो सबसे पहले आप जर्नल मिरर का यह ट्वीट देखिए, इसमें कहा गया है, मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोका, जबरन उतरवाया हिजाब। हम खबर भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप यह विजुअल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बहस हो रही है और क्या चीज वहां पर प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। हिजाब पहनी छात्राओं का कॉलेज प्रशासन के साथ क्या बातचीत हो रही है, जरा इस वीडियो में देखिए। छात्र छात्राओं की समस्या आएगी, हम आपसे बात करेंगे। स्वागत है आपका, स्वागत है, मैं कह रहा हूँ स्वागत है, लेकिन आप 2 बजे आ जाइए। समस्या रख लिया अरे तो कोई अगर अपरिहार्य समस्या है तो तुरंत आ जाओ ना, मैंने फोन करने के लिए मना किया क्या? कल मैं आया, ये वाली बात बार बार फातिमा कल मना करा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुर्के मना करा जाएगा, मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप बुर्के उतारे फिर आप करने का काम, जो भी आपको काम है वो बाद में करिए, पहले बुर्के उतारे। तो देखा आपने, बहस खूब हुई, कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमने नियम बना दिया है, आप कॉलेज के ड्रेस के मुताबिक ही उसी ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप हिजाब में आए तो एंट्री नहीं होगी। इसको लेकर जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है और फिर वहां के लड़कियों ने भी प्रदर्शन कर बताया है कि हिजाब हम पहनेंगे। यह कर्नाटक में जो खेल शुरू हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने की योगी सरकार कोई प्लानिंग कर रही है? क्योंकि मुरादाबाद का यह हिंदू कॉलेज तो नियम बनाकर मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में एंट्री देने से मना कर दिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए हेड डिटेक्टर ने क्या लिखा है ट्वीट में, अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा है कि सेवरल बुर्का वियरिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स वेयर द राइट टू इंटर इनटू हिंदू पीजी कॉलेज ऑफ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, साइटिंग द कंपल्सरी ऑफ ड्रेस कोड, स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटी। वही बातें हैं कि सबसे पहले तो हिंदू कॉलेज का प्रशासन आगे आकर यह कहता है कि आप हिजाब पहने हुए हैं, कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि वो कॉलेज की छात्रा है, जिसका विरोध हुआ। इन लोगों ने प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ है हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। लेकिन इस मामले में एक और ट्वीट देखिए जो हेड डिटेक्टर ने लिखा है कि इन हिंदू कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे वर फोर्स्ड टू रिमूव बुर्का बिफोर एंटरिंग द कॉलेज इवन दो दे आर वियरिंग ड्रेस कोड अलोंग विद बुर्का।
इसमें यह जानकारी दी गई है कि छात्राओं ने यह गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज ने कहा जबरदस्ती आप बुर्के उतारो, जबकि हम लोग ड्रेस कोड में थे और बुर्का भी साथ में पहने हुए थे और जबरन हमारा हिजाब हमारा बुर्का उतरवाया गया। इसको लेकर वहां पर खूब बाबेला मचा, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कॉलेज प्रशासन से जबरदस्त भिड़ंत भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन कॉलेज ने अपना इरादा नहीं बदला। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद ने कहा कि हमने जो नियम बना दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस मामले में जर्नो मिरर ने भी खबर प्रकाशित की है, लंदन टॉप ने भी। सबसे पहले जर्नो मिरर के हेडलाइन को देखिए, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। जर्नो मिरर ने लिखा हेडलाइन में, मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोका, जबरन उतरवाया हिजाब। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। मुरादाबाद के कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। मामला मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज का है। बीते बुधवार को हिजाब पहनकर आई कुछ छात्राओं को प्रशासन ने कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया तथा उनको हिजाब उतारने के लिए कहा गया। छात्राओं का आरोप है कि उनके कॉलेज में उन्हें हिजाब पहनकर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, गेट पर जबरन हमारा हिजाब उतरवाया गया है। यह गंभीर आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगा है। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर द ललन टॉप की खबर देखिए। ललन टॉप ने हेडलाइन में लिखा बुर्का उतारो, ये कोट किया हुआ है। फिर इसमें कहा गया है अब यूपी के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनी छात्राओं को एंट्री से मना किया गया है। इस खबर में कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है और छात्र जो विरोध कर रहे हैं कि हिजाब पहनने से आप हमें कैसे रोक सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है, दोनों पक्ष को हम दिखाते हैं। तो अपने स्क्रीन पर देखिए कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा है। ललन टॉप ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कहा है कि मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के प्रशासन का कहना है कि कॉलेज में नया ड्रेस कोड लागू हुआ और जो इसका पालन करेगा वही प्रवेश कर सकेगा। चीफ प्रोक्टर डॉक्टर एपी सिंह ने बताया हिंदू कॉलेज ने 1 जनवरी 2023 से एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया है और प्रत्येक छात्र को इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। हमने फैसला किया है कि बिना कॉलेज यूनिफॉर्म पहने किसी भी स्टूडेंट को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा एपी सिंह ने और क्या कहा है वो भी जरा देखिए। उनका कहना है नए ड्रेस कोड के मुताबिक कैंपस में बुर्के की इजाजत नहीं है। हमने एक विशेष चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की है जहां बुर्का पहनने वाली छात्राएं इसे उतारकर यूनिफॉर्म में कॉलेज जा सकती हैं। जब वे कॉलेज से बाहर आती हैं तो फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपना बुर्का पहन सकती हैं। ये एपी सिंह ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन उनकी जिद है कि कोई बुर्का या हिजाब में कॉलेज नहीं जा सकता है। ये कैसी जिद है? क्या भाजपा शासित सरकारें देश में मुस्लिम छात्राओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस तरीके की तैयारी कर रही है? दिन भर गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करती है, ये भाजपा ये संघी ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके मस्जिद को मंदिर बताने के लिए कोर्ट जाते हैं, लड़कियां हिजाब ना पहने इसलिए कोर्ट जाते हैं और अपने हक में फैसला लेकर इन लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद यूथ विंग के अध्यक्ष असलम चौधरी ने क्या कहा वो देखिए। उनका कहना है कॉलेज का ये नया नियम हैरान करने वाला है, इसके जरिए एक विशेष समुदाय से जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसके पीछे छिपा हुआ राजनीतिक मकसद है। जब सिखों को कृपाण के साथ पगड़ी पहनकर किसी भी कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो फिर ये नियम केवल मुस्लिम महिलाओं को प्रतिबंधित करने के लिए ही क्यों है? हम इस कदम के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। छात्राओं ने तो हुंकार भर दी है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या फिर कॉलेज प्रशासन झुकता है या मामला फिर से कोर्ट तक जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहीं यह निर्णय तो फिर नहीं आने वाला है। कर्नाटक में बैन है तो आपके यहाँ भी बैन होगा। क्या मुस्लिम छात्राओं को इस तरीके से परेशान किया जाएगा? यह जानते हुए कि हमारे देश में पहली ऐसी मुस्लिम बिटिया है जो देश में फाइटर प्लेन उड़ाएंगी, यह जानते हुए कि इसरो में अभी हाल ही में एक मुस्लिम बेटी साइंटिस्ट के रूप में चुनी गई है, तो क्या इन बेटियों को पंख नहीं लगने चाहिए? अगर वो हिजाब में आकर पढ़ना चाहती है तो क्या दिक्कत है? लेकिन कर्नाटक का जहर यूपी में भी फैल चुका है। देखना यह होगा क्या इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती है, कॉलेज प्रशासन झुकता है या फिर यह विवाद बढ़ता ही रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का अंश जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।